फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़। इस महल का निर्माण राणा फतेह सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित है। महल राणा के निवास के रूप में कार्य करता था। राणा फतेह सिंह का उद्देश्य इस निर्माण के माध्यम से कला और संस्कृति के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित करना था। चित्तौड़गढ़ स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग प्रणाली पर स्थित है। फतेह प्रकाश पैलेस के वास्तुकला की बात करें तो यह महल राजस्थानी शैली में निर्मित कई गलियारों और स्तंभों से सुसज्जित है। इसे 17वीं शताब्दी से संबंधित राजस्थान की किंवदंतियों को प्रदर्शित करने वाली दीवार चित्रों से खूबसूरती से सजाया गया है और 19वीं सदी 1968 में फतेह प्रकाश पैलेस के एक बड़े हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया। आकर्षण। राणा फतेह सिंह को कला से बहुत लगाव था और यह फतेह प्रकाश पैलेस में पाए गए उनके कलाकृतियों के संग्रह से भी प्रकट होता है। यह संग्रह दुर्लभ और प्रचुर था और इसे बाद में एक संग्रहालय में रखा गया। वहां असंख्य मूर्तियां हैं। हालांकि उत्तर मध्य काल से संबंधित अंबिका इंद्र का विशेष उल्लेख आवश्यक है। ये मूर्तियाँ राशमी गांव की खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ भगवान गणेश की एक बड़ी मूर्ति है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। इसे पानगढ़ से लाया गया था। इस महल में प्रदर्शित लकड़ी की मूर्तियों में शिल्प कौशल बस्ती गांव का है। संग्रहालय में क्रिस्टल वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह भी है। माना जाता है कि इन्हें महाराणा सज्जन सिंह ने इंग्लैंड में F&C ओसलर कंपनी से एकत्र किया था। महल के एक हिस्से में शाही फर्नीचर का संग्रह रखा गया है। इनमें डाइनिंग टेबल, ड्रेसर, बोतलें जिनमें कभी परफ्यूम हुआ करते थे, उस काल के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों के प्रदर्शन के लिए एक अलग अनुभाग समर्पित है, जैसे हेलमेट, चाकू, ढाल, कुल्हाड़ी, फरसा आदि। चित्तौड़गढ़ के प्रेरक सैनिकों की वर्दी भी प्रदर्शन पर है। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर महल और संग्रहालय का स्थान अपने आप में एक आकर्षण है। किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। किला मछली के आकार का है। 180 मीटर की पहाड़ी पर 700 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला हुआ है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मौर्यों द्वारा किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसे 5 पांडवों में से भीम ने बनवाया था और इसे बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। यह किला 3 बार जौहर का गवाह बना है। रानी पद्मिनी द्वारा शुरू किया गया और रानी कर्णावती द्वारा आगे बढ़ाया गया। शत्रुओं के हाथों अपमान से बचने के लिए महिलाएं और बच्चे आग में जिंदा कूदकर अपनी जान देते थे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।